सो गाइज यहाँ पर मंगाया मैंने एक ट्रैवलिंग बैग, जो कि गाइज मोस्टली काफ़ी महंगे भी आते हैं और काफ़ी बिग साइज में आते हैं, जिनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर जो मैंने मिड रेंज में, मिड बजट में और जो मिड साइज़ में ही मंगाया है, जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इस वैरायटी में आपको काफ़ी सारे जो कलर भी मिल जाएंगे, तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। ये गाइज मैंने अमेजोन से मंगाया है और भाई साहब यहाँ पर देखो पैकिंग थोड़ी सी यहाँ पर फटी हुई मिली। खैर अगर डिफेक्टेड निकलता है तो ऐसे में उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिसीप्ट यहाँ पर मैं नहीं फाड़ूंगा, तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स क्या, अनपैकेट कर रहे हैं हम इसको, बॉक्स जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। ऑलराइट, इसको रख देते हैं, अगर बाय चांस डिफेक्टेड निकलता है, ये बिल है बिल्कुल अंदर रखते हैं और इसको पहुँचाते हैं साइड में। ऑलराइट, सो गाइस देख सकते हैं फर्स्ट लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैंने जो ये बैग ऑर्डर किया है, क्योंकि ट्रैवलिंग बैग काफ़ी बड़े बड़े दिखा रहा था और काफ़ी महंगे भी थे, तो ऐसे में यार मुझे इतने बड़े बैग पसंद नहीं आते, मेरे को मिड बजट में और मिड साइज़ का जो बैग चाहिए था जिसमें सारा सामान आ चुके। ऑलराइट, इसको भी रखते हैं साइड में। सो स्टार्टिंग में तो गाइस इसके ऊपर टैग्स वगैरह मिल जाते हैं, हालांकि इन पे प्राइसिंग वगैरह नहीं लिखी है। खैर अब बैग देख लेते हैं, बैग का जो साइज़ है। सो गाइस आप बैग का साइज़ अभी देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बैग ये है, और दिखा देता हूँ एक एक चीज़ें इसमें। सबसे पहले पीछे की तरफ आपको क्या मिलता है, ऑलराइट पीछे की तरफ सिंपल ये पट्टियाँ वगैरह मिलती हैं और ये पेट पर बांधने के लिए, ताकि आसानी से आप इसको कैरी कर सकें। और पीठ पे इस पे फोम साइड के हैं जो आपकी बैक को सपोर्ट करेंगे, मतलब बैक पेन वगैरह नहीं होगा। और इसमें जो है नीचे की तरफ यहाँ पर जो एक शू के लिए भी अलग से बना हुआ था, जूते रखने के लिए, तो इसको ओपन करके देखता हूँ पहले तो चैन कितना अंदर वो दी है इसमें। ऑलराइट, इन्हें खोल देता हूँ पहले। सो गाइस में काफ़ी सारे कलर जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। भाई ये तो पोर्शन हो गया यहाँ पर जूते वगैरह रखने के लिए, नीचे की साइड आ जाएगा जो चैन बंद करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे। ऑलराइट, कुछ इस तरह से नीचे पहुंच जाएगा ये जूते, इसके अंदर आ जाएंगे। इसको फिर आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, खैर हालांकि इस पर्पज से दिया। और फिर टॉप में ऊपर की तरफ मिलती है वाली चैन, ये हो गई। और इसके अंदर गाइस ये कपड़ा है, कपड़ा टाइप का पतला सा, जो आई थिंक इसे वाटरप्रूफ बनाता है, इस तरह की लेयर है, काफ़ी पतली है, बट एक टाइम के बाद ये ख़राब भी हो जाती है। खैर वही एक चैन ये होगी, एक नीचे वाली थी, ये दूसरी है, फिर एक तीसरी इसके अंदर है। ऑलराइट, इसको भी करते हैं ओपन। ऑलराइट, तो एक चैन ये होगी तीसरी, और इसके अंदर चाहे तो आप लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं, अंदर पार्टीशन इसके अंदर बने हुए, और इसके पीछे और कुछ नहीं है, केवल तीन पोर्शन है इसमें। एक ये है जिसके अंदर एक अलग से अंदर की तरफ ही पोर्शन बना दिया है पार्टीशन करके इस तरह का सिंपल, और फिर जो एक पार्टीशन ये है जिसमें सामान आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर शू वगैरह आप रख सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह का बैग है गाइस ये। ऑलराइट, और तीन जगह होगी इसमें सामान रखने के लिए, बस दैट्स इट। गाइस अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा है 1,081 रुपये का, हालांकि और जो बड़े ट्रैवलिंग बैग्स आ रहे थे वो काफ़ी महंगे भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो मुझे उस तरह का चाहिए नहीं था। और इसमें रेड कलर भी आपको मिल जाता है, ये जो ब्लू पट्टी आप देख रहे हैं ना ये सारी, ये रेड में मिलती, बाकी पोर्शन आपको ब्लैक कलर में ही मिलता है, और येलो भी मिल जाएगा आपको और ग्रे कलर में भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे कलर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब तुम्हारा भाई इस बैग को लेके ट्रैवलिंग करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, ले लद्दाख, कुल्लू मनाली, मसूरी, जहाँ जहाँ जा सकते हैं सब जगह जाएंगे भाई, तो इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा बैग आप ले लेते हैं तो आपके साथ के जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं वो अपना सामान आपके बैग में ही ठूस देते हैं, उस हिसाब से ये मेरे लिए सही है। इसमें केवल मेरा ही सामान आएगा, जितनी की मेरे को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मुझे इसे भरना भी नहीं है। और देखो गाइस इसके साइज़ की अगर बात करें ना, यहाँ से साइड से बंद हो रखा है, मैं इसे खोल देता हूँ तो कितना चौड़ा हो सकता है, तो ये इसकी कैपेसिटी की बात करें ना 25 किलो की इसकी, 25 लीटर में आते हैं खरी बैग, तो लीटर की कैपेसिटी इसकी है, तो इतना मोटा ये हो सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ इसका हो गया। तो ऐसे में काफ़ी सामान इसके अंदर आ सकता है, ऑलमोस्ट आपके 3 पेयर्स आ सकते हैं, जीन्स, टी शर्ट वगैरह जो पहनते हैं, बाकी लोअर वगैरह, शूज़ इसके अंदर आ सकते हैं, शूज़ आप पहन के जाएंगे इसमें, चाहे तो आप डबल शूज़ भी रख सकते हैं, एक के दिखा रहा है बट दो आ सकते हैं इसके अंदर मुझे लगता है, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ भी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और स्लीपर वगैरह भी रख सकते हैं। उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कलर मैंने कुछ इस तरह का चूज़ किया है, क्योंकि रेड कलर और येलो कलर एक टाइम के बाद जल्दी फेड हो जाते हैं, तो ऐसे में मैंने ये कलर मंगाया।
और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। आप चाहें तो देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अब भाई अब होगी ट्रैवलिंग स्टार्ट। सो गाइज अगर वीडियो यार पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक और साथ ही शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ट्रैवलिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का बैग हो सकता है पसंद आए, नहीं भी आए तो आप देख भी सकते हैं। और चैनल पर नए तो यार चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।